हाय गाइस, दिस इज साक्षी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पांच ऐसे हेयर स्टाइल जो आप मांग टीका के साथ बना सकते हो किसी भी पार्टी में और किसी भी ड्रेस के साथ। और अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने ये मांग टीका सेट कहाँ से लिया, तो लिंक मैं उस वाली वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी जिसमें मैंने अपना इयररिंग कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आइए अब जल्दी से मूव ऑन कर लेते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, विच इज कम्प्लीटली फ्री। नाउ मूव ऑन टू वीडियो। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हेयर स्टाइल नंबर वन। तो उसके लिए आपको सबसे पहले निकालनी है सेंटर पार्टीशन और लेना है कोई भी मांग टीका जो आप लगाने वाले हैं वो वाला। उसके बाद आपको ना अपना ये जो क्राउन वाला एरिया होता है ना, पीछे के जो बाल होते हैं उनको लेना है और उस पर बैक कॉम्बिंग करनी है। बैक कॉम्बिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि उसमें अच्छा सा पफ यानी कि पफिनेस दिख सके और आपका जो मांग टीका है वो भी हाइड हो जाए। अब आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा पीछे तक मांग निकालनी है और वहाँ पर लगाना है टीका और उसके ऊपर आपको लगानी है बॉबी पिन जो होती है ना, सिंपल हेयर पिन जो होती है उससे आपको अपना टीका अटैच कर लेना है। और जो हमने क्राउन पोर्शन निकाला था जहाँ पर हमने बैक कॉम्बिंग की थी उससे आपको टीके को हाइड कर देना है। अब आप खुले बालों में इस तरह से टीका लगा सकते हैं। अब बहुत ही सिंपल है ये तो लगाना, ये मैंने लगा लिया है और आप देख सकते हो कंप्लीट लुक। और मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि थोड़ी सी ना मेरी साइड की मांग निकल गई है, तो आप ध्यान से निकालें। उसके बाद हमारा हेयर स्टाइल नंबर टू है कि मैंने लेफ़्ट साइड से ही थोड़े से अपने बाल ले लिए हैं और उनको राइट साइड पार्टीशन कर दिया है, यानी कि हमें साइड पार्टीशन करना है, तो आपके मांग टीके की लुक इस तरह आएगी। अब अगर आप चाहते हैं कि जो फ्लिक हमने मतलब साइड में से निकाली थी, साइड बैंग हमने निकाली थी, उसको हम पीछे अटैच कर दें जिससे हमारा फेस पूरा दिखाई दे, हमारा मेकअप पूरा दिखाई दे और हमारा टीका भी प्रॉपरली दिखाई दे। तो आपको इस तरह से एक पार्टीशन लेना है, उसको ट्विस्ट करना है, इस तरह से ट्विस्ट करना है और पीछे ले जाकर पिन की हेल्प से सिक्योर कर देना है। तो मैंने यहाँ पर दो ट्विस्ट किए हैं ताकि मेरी साइड लुक भी अच्छी लगे देखने में और उसको भी मैंने पिन की हेल्प से सिक्योर कर दिया है। अब ये आप देख सकते हो कि साइड से भी अच्छा लग रहा है और फ्रंट से भी ना कंप्लीट मेकअप आपको दिखेगा। अब हेयर स्टाइल नंबर फोर में आपको क्या करना है, आपको अगेन सेंटर पार्टीशन करना है और एक साइड के बालों को लेना है इस तरह से और उसको ना ऊपर वाली साइड ट्विस्ट करना है, लेकिन उससे पहले आपको बैक कॉम्बिंग करनी है ताकि बालों में पफिनेस आ सके। तो बैक कॉम्बिंग करने के बाद मैंने उनको ट्विस्ट कर लिया है हल्का सा और उसको पिन की हेल्प से सिक्योर कर दूंगी। अब सेम ऐसा ही हमें दूसरी साइड लेना है, एक पार्टीशन थोड़े से बालों का सेक्शन लेना है, उसको बैक कॉम्ब करना है। बैक कॉम्बिंग ज़रूर करें, इससे आपके बाल हैवी लगते हैं। और इस तरह से ट्विस्ट करना है और पफीनेस दिखाने के लिए यानी कि पफ दिखाने के लिए साइड पफ जैसे बनते हैं, आपको इस तरह से ना थोड़ा सा ऊपर स्लाइड कर देना है और उसको पिन से सिक्योर कर लेना है। अब आप अगर अपनी फ्लिक निकालना चाहते हैं तो फ्लिक निकाल सकते हैं, मैं निकालती हूँ, मुझे पसंद है। और ये हमारा हेयर स्टाइल रेडी है, नंबर फोर हेयर स्टाइल, आप पास से भी देख सकते हो। अब नाउ हमारा लास्ट एंड फाइनल यानी कि फिफ्थ हेयर स्टाइल है, आपको एज इट इज़ रखने हैं अपने बाल। और अगर आप कंप्लीट बालों को बांधना चाहते हैं, क्योंकि लहंगे वगैरह के साथ बंधे हुए बाल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, हैवी लहंगाज के साथ ना बंस ज़्यादा पसंद आते हैं मुझे भी पर्सनली, तो मैं इन्हीं बालों का पीछे बन बना लूँगी। अब ये बहुत ही सिंपल बन है, मैंने आप लोगों को बहुत बार बना के दिखाया हुआ है कि आप किस तरह से इसको बना सकते हैं। बना लिया है और इसको आप नॉर्मली किसी भी फ्लावर से या फिर हेयर एक्सेसरीज से डेकोरेट कर सकते हैं। और अब देख सकते हो कंप्लीट लुक कैसी आई है। और यहाँ पर मैं अपने मैचिंग के पहन रही हूँ इयररिंग, मेरे मांग टीका के साथ के ही हैं ये इयररिंग्स, तो यहाँ पर मैंने ये भी पहन लिए हैं और ये है मेरी कंप्लीट लुक। बन आप नीचे बना सकते हो, ऊपर बना सकते हो, साइड में बना सकते हो, जैसा आपको पसंद है आप उस साइड बन बना सकते हो। आपको इनमें से सबसे अच्छा कौन सा लगा कमेंट कर जरूर बताना मुझको। आप लोगों ने देख लिए ना पांच हेयर स्टाइल जो आप मांग टीका के साथ इजीली खुद से बना सकते हो और अपने गेटअप को और भी सुंदर और ब्यूटीफुल कर सकते हो। इस वाली ईद पर ना अगर आप कोई टीका स्टाइल बनाने वाले हो तो इजीली ये वाला जरूर ट्राई करना और मेरे साथ रिजल्ट जरूर शेयर करना इंस्टाग्राम पर। तो अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही और
और हेयर स्टाइल मांग टीका के साथ या फिर नॉर्मल हेयर स्टाइल आप देखना चाहते हो तो कमेंट कर जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और वीडियोज देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करें। एंड ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय।